नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की एक और नई सेल के बारे में, जो कि दोस्तों ये होली की लास्ट सेल है। यह दोस्तों होली से पहले एक और सेल स्टार्ट होने वाली है फ्लिपकार्ट पर, जो कि दोस्तों चलेगी 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। दोस्तों इस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। दोस्तों वैसे तो फ्लिपकार्ट पर कई दिनों से सेल चल रही हैं, बट ये दोस्तों आखिरी सेल है जो दोस्तों 24 तारीख से 26 तारीख चलने वाली है 3 दिन के लिए। दोस्तों इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या क्या ऑफर देखने को मिलते हैं और दोस्तों आपको किस बैंक पर कितना डिस्काउंट देखने को मिलता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए, सबसे पहला ऑफर जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है आईफोन 11 के ऊपर। दोस्तों अगर आप आईफोन 11 खरीदते हो इस सेल से तो आपको दोस्तों ये मिलेगा 47,000 रुपये का, बट इसमें दोस्तों ऑफर मिल रहा है SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, डेबिट कार्ड का ऑफर नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का है। तो अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है या फिर दोस्तों आपके किसी दोस्त या मिलने वालों के पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो आप इस क्रेडिट कार्ड से 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी फ़ोन के ऊपर जो इस लिस्ट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों आईफोन 11 है इसमें 47,000 रुपये का, बट अगर आप इसका पेमेंट करते हो SBI कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों 45,500 या 40,000 रुपये के आसपास। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। आईफोन 11 दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा है और 45,500 या 40,000 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अब दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की बात करते हैं तो वो है दोस्तों Poco X3। दोस्तों ये फ़ोन भी हमें कई सेल के अंदर अच्छी कीमत में मिल रहा है, बट इस लिस्ट में दोस्तों जो हमें मिल रहा है 15,000 रुपये का, नहीं दोस्तों ये मिल रहा है सॉरी दोस्तों ये मिल रहा है हमें 14,500 रुपये का, 14,499 रुपये का। तो दोस्तों 14,500 का मिल रहा है, वैसे दोस्तों ये कई सेल के अंदर 15,000 का मिला है, बट ये मिल रहा है 14,500 रुपये का। और इसका पेमेंट दोस्तों अगर आप करते हो SBI कार्ड से तो ये दोस्तों आपको 13-13.5 तक का पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। इसके पीछे दोस्तों मैंने पहले बताई काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है इसके अंदर, 13.5 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, अगर आप इसके तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करें तो ये दोस्तों रियलमी के Narzo 20 Pro के ऊपर, जो कि दोस्तों है 13,000 रुपये का। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 14,000 रुपये इस सेल के अंदर, बट अगर आप इसका पेमेंट करते हो किसी भी डेबिट कार्ड से तो आपको 1,000 रुपये का प्रीपेड ऑफर मिलेगा। और अगर दोस्तों इसका पेमेंट अगर आप करते हो SBI क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जो दोस्तों आपको पड़ जाएगा 12,000 रुपये के आसपास। दोस्तों इस डील पे एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 12,000 रुपये में दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं इस फ़ोन के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो वो है दोस्तों Poco M2 Pro, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको इस सेल में 12,000 रुपये का, और कार्ड से पेमेंट करते हो तो ये 11,000 रुपये का रह जाएगा। तो 11,000 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगले फ़ोन की बात करें तो वो दोस्तों Realme 7, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको इस सेल में सारे ऑफर लगा के 12,500 या 13,000 रुपये के समथिंग। दोस्तों इस डील पे इस प्राइस पे दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये भी। अब दोस्तों अगले फ़ोन की बात करते हैं इस लिस्ट में तो दोस्तों वो है IQ3। सारे ऑफर लगाने के बाद ये फ़ोन आपको 23,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों 23,000 रुपये में हमें 5G फ़ोन मिल रहा है IQ3, तो आप इसकी तरफ जाना चाहो जा सकते हो। इसमें दोस्तों हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक 5G फ़ोन है और 5G प्रोसेसर है, तो आप इस फ़ोन की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगले फ़ोन की बात करें दोस्तों तो वो है Redmi Note 9 Pro Max, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको 15,000 रुपये का। इसकी प्राइस दोस्तों 15,000 रुपये से पहले भी है अभी भी है, बट दोस्तों अगर आप इसको इस लिस्ट में इस सेल में खरीदते हो तो आपको इसमें दोस्तों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो ये दोस्तों रह जाएगा 13,000 रुपये के समथिंग। दोस्तों जितने भी फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ इन सब पे दोस्तों SBI का क्रेडिट कार्ड का ऑफर चल रहा है, वो चलेगा दोस्तों फ्लिपकार्ट सेल में जो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ऑफर हैं, काफ़ी सारे फ़ोन दिए गए हैं, लेकिन जो फ़ोन दोस्तों अभी वैल्यू फॉर मनी है, जो अच्छे फ़ोन हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे दोस्तों काफ़ी ऐसे ऐसे फ़ोन हैं जो आपको लिस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे दामों मिल जाएंगे, बट दोस्तों उनके अंदर जो फीचर दिए गए हैं वो इतने पैसों के हिसाब से जो प्राइस मिल रही है दोस्तों हमें उसके हिसाब से जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो जितने फ़ोन मैंने दोस्तों आपको बताया वो काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं। और दोस्तों एक फ़ोन और है रियलमी का, Realme 6 Pro, जो दोस्तों है 16,000 रुपये का, बट दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में मिल जाएगा 14,500-15,000 रुपये के आसपास। तो इसकी तरफ दोस्तों जाना चाहो तो जा सकते हो, बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी दोस्तों जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है, ज़्यादा नहीं है इसकी ब्राइटनेस दोस्तों, काफ़ी अगर आप धूप में यूज़ करते हो अपने फ़ोन को तो इसकी ब्राइटनेस दोस्तों काफ़ी लो हो जाती है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जो सेल मैं आपको बता रहा हूँ ये है आखिरी सेल। अगर आपको आपने अभी तक कोई फ़ोन नहीं खरीदा है, जितनी भी सेल दोस्तों चली है उसमें, तो आप दोस्तों इस सेल का वेट कर सकते हो और इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।